काम में लग गई आग, आग लगी और बोले क्या कुमार का घर बच गया, बाकी सबके जल गए। सबने कहा ऐसा क्या करा इसे, तो इसका घर बचा है बाकी सबके जल गए। पूरी मेहनत चल रही है, फुल मेहनत से, फुल मेहनत चल रही है। इतनी अच्छी ड्राइंग तो तुमने एग्जाम में नहीं करी होगी। नहीं, इसके लिए बहुत अच्छी ड्राइंग थी तभी मैं इतना सब कर रही हूं। मेरी भी बहुत अच्छी थी, मैं पेड़ बनाता था, झोंपड़ी। गुलगुले देख, गुलगुले बन रहे, देख गुलगुले, ओ बम 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 हो गया, इधर आ जा बेटा। अरे मेरा गुलगुला, देख गुलगुले बन रहे, गुलगुला गुलगुले बना रहा। अभी हमारी तैयारी चल रही है क्योंकि कल है शीतलाष्टमी यानी कि बासोड़ा, और बासोड़ा में मतलब एक दिन पहले ही वो गिर गई। हाँ तो मैं ये कह रही थी कल है बासोड़ा, तो बासोड़ा से एक दिन पहले मतलब शाम को रांधा पुआ बोलते हैं इस दिन को, मतलब सब कुछ चीजें शाम को बनाई जाती है। और अगले दिन जो रात को मैं तो बना रही हूँ ना, तो जो चीजें अब हम बना रहे हैं ना रात को वो सब अभी नहीं खाएंगे, कल पूरे दिन ठंडा खाना होता है बासोड़ा पे यानी कि शीतलाष्टमी पे। ये अभी पुए बन रहे हैं और कहीं कहीं बन रहे हैं बता, पुए आलू की सब्जी, पूड़ी, केर सांगरी की सब्जी, और क्या बोलते हैं ये गुलगुले पुए हो गए, और राबड़ी राबड़ी नहीं राबड़ी सॉरी राबड़ी राबड़ी मक्की की राबड़ी बनती है हमारे। और ना ऐसे तो जैसे आप पकौड़े कचौरी मछलियाँ सब बना सकते हो, बट हमारे दो दो टिंगर भी हम यही बना ले वही बहुत है, तो अभी हमारे घर में आज यही बन रहा है बस। तो रात के बज गए 10:30 और बच्चों के चक्कर में क्या अभी तक हमारा नहीं हुआ, और मैं क्या अभी तो अकेले बना रही हूँ, तब से मम्मी मेरे साथ करवा रहे थे, अब मम्मी क्या रिद्धि का दूध बना रही है और संजू बना रुद्र को दूध पिला रहे हैं, मैं पूड़ी तल रही हूँ क्योंकि फिर बच्चों का भी ज़रूरी है, अभी इनका टाइम हो गया सोने का, टाइम से सोते हैं बच्चे, तो इसीलिए तो दोनों बच्चे सो चुके हैं। हमारा किचन का सारा काम हो चुका है मतलब खाने पीने का कल का, और अब वैसे तो 11:30 हो रहे हैं बट 11 बजे मेरे मम्मी फ्री हो गए थे, उसके बाद मैंने अभी जस्ट अपना स्किन केयर किया, मम्मी नीचे जा चुके हैं सोने के लिए, संजू बना नीचे पानी लेने गए, आरोप नीचे ही है इसलिए, तो बस अभी तो ऐसे थोड़ा हुलिया ऐसा है। और अभी हाँ अब मुझे लगानी है मेहंदी, रात के 11:30 बज रहे हैं बट लगानी जरूरी, थोड़ी थोड़ी लगा लूँगी सून की नाम की। रात के बज रहे हैं 12 और इसकी ये मेहंदी गोल नहीं बन रही, आपको आता ही नहीं है, इसमें वो प्रकार रख के गोल गोल घूम रहा है। चुप रहो, आपके चक्कर में वायलेट, अरे गोल नहीं बन रहा। हर किसी औरत की यही समस्या है कि मेरी मेहंदी गोल नहीं बन रही है। नहीं नहीं, अब ब्लॉग बंद कर दो, मेरी खराब कर दोगे, ला ना नाटकबाज, आप ब्लॉग के चक्कर में मेरा खराब कर दोगे, गोल गोल सही बनाओ, ला ला। अरे क्या देखो कहाँ जा रहे हो ये, सारी बिंदियाँ सही लगा दी मैंने। हमारी तरफ हूँ इनकी मेहंदी कंप्लीट है। हाँ थोड़ा पास करो, दिख नहीं रही मुझे मेरी आंखों में दिक्कत है, तो बस ऑलमोस्ट लग गई, बस अभी ये जो मतलब फिंगर्स पे लगाई ना ऊपर कोरों पे इसको फैलाऊंगी, और बच्चे सो रहे थे जा रहे हुए, मेरी रिद्धि का बहुत डर रहता है गिरने का। हालांकि वैसे क्या है, इसी बात के बीच में काट रहा हूँ, हालांकि वैसे हमने क्या है एक वो बेड रेल मंगवाई है, तो मतलब वो हेल्पफुल है, अब वो दिखाएंगे आपको, वो आपको दिखाएंगे। हाँ तो अभी ये जा रहे हैं फटाफट बच्चों के पास, कोई गिर ना जाए इसलिए, और मैं आपको मिलती हूँ मॉर्निंग, क्योंकि हमें सुबह अर्ली मॉर्निंग जाना होता है 5 से 6 के बीच में बासोड़ा। हाँ हमेशा ही जाती हूँ पहले बार ठंडा, तो मैं और मम्मी जाएंगे, तो मम्मी मुझे सुबह उठाने आ जाएंगे, तो जीवन में कदे कदे तो उठा 5-6 बजे मिलती हूँ मैं सुबह आप लोगों को। हाय एवरीवन, खमा गणिसा, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू टुडेज़ व्लॉग। और आज है बासोड़ा, मैंने आपको रात को बोला ही था, तो मॉर्निंग हो चुकी है, और पता है हमेशा हम 5 से 5:30 के बीच चले जाते हैं, बल्कि और आज लेट होकर दिन हो गया है ना, ऐसा बोलते हैं कि जो राजपूतों की औरतें होती है वो फटाफट, मतलब मैं ऐसा कुछ ऐसा नहीं बोल रही बाकी लोगों के लिए, बट एक रिवाज है कि अंधेरा होने से पहले वापस जाती, बट अभी 6:30 हो गया और उजाला हो गया क्योंकि मैं रुद्र को दूध पिलाने लग गई थी, दोनों बच्चे उठ गए थे, इनफैक्ट रुद्र को तो सुला दिया मैंने, रिद्धि स्टिल अभी उठी हुई है, अपने पापा को नचा रही है वो, और बस मम्मी नीचे मेरा वेट कर रहे थे, तो फटाफट जाते, देखो बच्चे होते हैं ना तो कई चीज़ें एडजस्ट भी करनी पड़ती है, हर चीज़ मतलब बच्चों के अनुसार हमें चलना पड़ता है, अकॉर्डिंग अपने उस हिसाब से चलना पड़ता है। तो बस मैंने ये पी ले, लास्ट टाइम क्या मैंने ना जब पासवर्ड पूछने गए थे मैंने पीला नहीं पहना था, बहुत से लोगों ने वीडियो में बोला था, तो जब मैंने पीला ही पहना, मम्मी ने बोला पीला पहन, तो मतलब बच्चा होने के बाद पीला पहनते हैं, तो चलते हैं फटाफट। तो अभी मैं और मम्मी पूजने जा रहे हैं,
और आप देख सकते हो पीछे से कि उजाला हो गया। मैं मम्मी को कह रही हूँ, आज तो मम्मी कह रही हूँ हमारी कोई वीडियो बनाने वाला भी नहीं है, हाँ अच्छा नहीं लगता, तुम भी किसको, मम्मी को आता नहीं है, पर ठीक है बना लेंगे। सबके खाना बना था ताजा, और कुमार के घर में उसका लड़का बीमार था, इसलिए रात की भी रोटी पड़ी थी ठंडा खाना खिलाया, फिर वो तो बच्चा तेरा ठीक हो जाएगा, वो चली गई ऐसे करके। तो पूरे गांव में लग गई आग, आग लगी तो बोले क्या कुमार का घर बच गया, बाकी सबके जल गए। सबने कहा ऐसा क्या करा इसे, तो इसका घर बचा है, बाकी सबके जल गए। पूछी के भैया मैंने तो कुछ ना कहा, तो हम लोगों ने कहानी तो सुन ली। अब वो खेत बहाते हैं, मतलब जमीन में ना बाजरा बहाते हैं, तो वो कर रही हूँ मैं। बेटे के लिए होता है शादी, मेरे को तो आता नहीं, मम्मी मंदिर धूप देने गई, मैं तो ये बाजरा लेके इसमें छिड़कते हैं, मतलब खेत में। हम लोग आ गए घर पे, और अभी मैं घर के बाहर साठिया मान रही हूँ। उस तरफ भी मटोल जी अभी हम लोग आपने देखा, तो अभी मैं और मम्मी ऊपर गए थे, जो शीतला माता का यानी शेड माता का जो पानी होता है ना, मतलब जिससे पूजा की जाती है, इस पानी में उनका मतलब उनके ऊपर चढ़ाया हुआ दही वगैरह जो भी चढ़ाते हैं ना भोग, वो इसमें थोड़ा सा मतलब हाथ लगा लेते हैं, मिक्स कर देते हैं पानी में, और थोड़ा सा पानी बचा के ना घर पे लेके आते हैं, और उस पानी को अपने घर की दहलीज पे दोनों तरफ मतलब डालते हैं, और जो घर के जितने भी बच्चे घर के लोग होते हैं ना उन सब पे उसको लगाते हैं, ताकि वो इंसान ठंडा रहे, उसे गुस्सा कम आए। तो बस मम्मी अभी ऊपर ही गए थे, इसलिए मम्मी रुद्र और रिद्धि की आँखों पर लगा रही थी ताकि वो ठंडे रहे, है ना। हमेशा वैसे हम लोग ऐसे करते हैं, जब भी मैं ऐसे रेडी होते हैं ना बासोड़ा पूछ के आते हैं, तो फिर गणगौर भी पूछ लेती हूँ। तो अब मैं रेडी तो हुई, तो मैंने सोचा गणगौर भी पूछ लेती हूँ मैं, तब मैं पूछूंगी गणगौर। वैसे भी आज नहाते नहीं है, मतलब मैं ऐसे बोल रही हूँ ऐसे, मम्मी तो नहा रहे हैं। तो ये है हमारी गणगौर जी, तो और ये मैं दूब ले आई थी मंदिर से ही, मेरी मम्मी दूब ले आए थे, तो इनको क्या ऐसे छाटना होता है इकट्ठा करके, मतलब बराबर तोड़ना होता है अच्छी अच्छी, तो मैंने पूरी घास में से तोड़ के, और अब पूछेंगे हम गणगौर। और कल है ना यहाँ पे गलती से मतलब पेंट चल रहा है ना, तो पेंट वाले ने इस पे पुताई कर दी थी, और वैसे भी ना बासोड़ा के दिन ना मतलब पुताई करते हैं अच्छे से पेंट करके, फिर दोबारा गणगौर जी बनाई जाती है। आज मैं गणगौर बनाऊंगी, शाम को आपको दिखाऊंगी। तो बस अब गणगौर पूछ लेती हूँ मैं फटाफट। पाटो दो ये पाटो दो बीरा की बहन, पाटो दो पाटा ऊपर पीलो पान में जैसा, बीरा की जान जान जैसा, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह ई सर गोरा में दुन जो रे जवारा गी हूँ ग्यारह किड़ी किड़ी जाते जाते गुजराते गुजरात को पानी जज अम्बदानी दानी में सिंगाड़ा बाड़ी में भी जो रानी पूजे राजने में पूजे सुहागने रानी को रास्ता तो जाए मक सुहाग मत हो जाए ती सर पूजे पार्वती पार्वती का लगे लगे दो बीर माँ दासी घर घालो तो लेवा की गोरा जी में हिंडो घालो हिंडत यूठे बोलिया हिंडत ही यूठे बोलिया तो लाल चूड़ो पे
चूड़ो था की माया पेरासी। चढ़ गई, ये छोटी बेबी किसकी है भाई? ये तो मेरा बेबी। अच्छा रिद्धि की फ्रॉक पहनी है भैया ने। कौन है भाई? अरे ओ देख देख क्या कर रही है, देख लो अभी इसको, फिर आप बोलोगे लड़बड़। ये ऐसी हरकतें करती है, चूटे क्यों बन रही है उसके? वो लाई चुपचाप खड़ा है, शाना बैठा है, शाना शाना। अरे देखो मार रही है इसको फिर से। रिद्धि वो मेरे बोलू के मार रही है रिद्धा। इतने छोटू चके लड़की बन गया आज तो ये। रिमोटे ए मम्मा के लिए मैंने चेक बनाया, मम्मा के लिए चेक बनाया। तो अभी हो गई है दोपहर और बच्चे क्या नहा धो के बच्चे सो गए थे, बच्चों सब मैं भी सो गई थी। तो बस अभी उठे हैं और अब हम लोग खाएंगे खाना। और आज मैंने आपको बताया था कि जो हमने रात को बनाया था ना वही खाते हैं, मतलब ठंडा ही खाते हैं, गर्म खाना आज नहीं बनता शाम तक। तो बस अभी हम लोग ये ऑफिस से आके खाना खाएंगे और दो रोटिंग टीवी देख रहे हैं। आज कटिंग वटिंग करा के आए हो? पचकुटा की सब्जी, सांगरी मतलब पचकुटे की सब्जी होती है, इसमें सांगरी और केर काचरी फली पता नहीं क्या क्या होता है ना, मतलब पांच तरह की सब्जी, पांच तरह की सब्जी होती है। सूखी सब्जी होती है ड्राई, जैसे ड्राई रेगिस्तान होता है वैसे ड्राई सब्जी होती है। फोन बाजियो मारो, जाओ मारो फोन बाजियो। और मैं दिखा देती हूँ ये वाली सब्जी है आलू की। नहीं आपके लिए नहीं है, उधर रे दूर। ये टिंगर मम्मी से खून आ रहा है थोड़ा सा नाक में, देखो वो लगी है। ज्यादा लग तो नहीं गई, इसके ज्यादा तो नहीं लगी ना, नाक में खून आ रहा है इसके। पूरी इस वाले में है चावल, अरे पूड़िया पूड़िया, ये पूड़िया जिन्हें पूड़ी कहते हैं। गुलगुला गुलगुला, बस मैं मेरा तो हो गया, मैंने खा लिए थे, आप हाँ बेटा ये गुलगुला से। ये रे मतलब जिनको पुए भी कहते हैं, बहुत सी जगह गुलगुले भी कहते हैं। और राबड़ी का है, राबड़ी का है टिंगे रखा जा रहा था दोनों का दोनों बे चाल दिया। अभी हो गई है शाम और मतलब जिस दिन बासोड़ा होता है ना उस दिन से मतलब गणगौर मारना शुरू कर देते हैं, मतलब उस दिन पूरी बना लेते हैं ऑलमोस्ट, मतलब पूरी ऐसे दीवार पे जो बनाते हैं ना, तो आज मैं वही बना रही हूँ। एक दिन पहले तो मतलब पूरी कली करते हैं, इनकी पेंट वगैरह करते हैं, जो कि भैया ने अपने आप ही कर दिया था बिना पूछे ही, है ना। और आज मैं मतलब कलर से बनाते हैं, आपने लास्ट से लास्ट व्लॉग में भी देखा था, मैं मतलब लास्ट ईयर मैंने दीवार पे बनाई थी, पर वो अंदर थी, इस बार हम बाहर बना रहे हैं, तो अभी पूरी बाउंड्री बनाई। लेट्स सी अंदर मैं कैसी बनाती हूँ। मैं कुछ चीज बनाती तो हूँ पर बहुत स्लो और परफेक्ट तरीके से बनाती हूँ। इतना स्लो भी मत बनाना कि गणगौर के बाद तक भी नहीं बने। इतना नहीं मतलब, अरे बन तो आज जाएगी। अच्छा ये तो अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, परफेक्ट साइज में नहीं। हाँ तो इस बार हमारी गणगौर जी, चलो जी ये अभी इसका आधा रूप है, अभी ये हो गया पूरा रूप। इस वाले मोबाइल में से देख देख के बना रही है चित्रकार। तो मैं कोई वो थोड़ी ना हूँ, चीटिंग कर रही है तू खुद। तो वैसे बना कैसे बनाऊं बिना देखे? ये तो चीटिंग हो गई है। तो कोई प्रोफेशनल वो थोड़ी ना हूँ कि प्रोफेशनल आर्टिस्ट हो, जैसे भैया पेंट कर रहे हैं प्रोफेशनल। हाँ भैया देख ले, वो बिना देखे बिना चीटिंग के खुद कर रहे हो। तो मैं भैया मैं वो थोड़ा ना, मैं कि प्रोफेशनल भैया को करती रहती हूँ, मैं भी ऐसे सीख जाऊँ। तू भी सीख जा, तू भी सीख जा। पूरी मेहनत चल रही है, फुल मेहनत से, फुल मेहनत चल रही है। इतनी अच्छी ड्राइंग तो तुमने एग्जाम में नहीं करी होगी? नहीं मेरी बहुत अच्छी थी, मैं पेड़ बनाता था, झोंपड़ी कैसी बनाई आप ये बताओ। मस्त लग रही है, अच्छी लग रही है, मस्त बनाई है, मस्त एक नंबर।
तो मैंने इतनी घनघोर तो बना ली है। और ये जो आप बिंदियाँ देख रहे हो ना, ये मतलब अभी छः दिन हो गए, शायद सातवां घनघोर का दिन है। तो ये बिंदियाँ मैं रोज़ लगाती हूँ यहाँ पे, रोली की, काजल की और मेहंदी की, पूरे 16 दिन तक लगती है। और इतना पूरा मैंने बना दिया है, घनघोर जी की आँखें, पगले, पैर, हाथ वगैरह, हाथों में मैंने थोड़े बाजू भी बनाने की कोशिश की है। इतना तो सब कर दिया मैंने। और अब ना शाम होगी, ऑलमोस्ट 7 बजने वाले, और अब यहाँ के मच्छर खा रहे मेरे को। तो अब ना बाकी मैं सोच रही हूँ कल बना दूँगी, ठीक है। आज के लिए इतना ही कि मैंने सून का इतना सब तो बना दिया। तो मैं आ गई ऊपर, और मैं ऊपर आई ना तो मैंने देखा इतनी शांति क्यों है। देखा तो दोनों बच्चे सो गए दूध वगैरह पी के। आज है बासोड़ा, तो ऐसे कुछ हम गर्म तो खा नहीं सकते थे। तो वो ना मतलब घर में वही कल जो रात को सब्जी बनी थी वही अभी खानी, जो कि हम घर जाके खाएंगे। बट ये बोले चल कुछ आइसक्रीम वगैरह खा के आते हैं। मम्मी बोली माता ही भी लिया जो आइसक्रीम, तो हम लोग आए हैं। कुल मिला कई बात है तो आज ठंडो ही खानो, मैंने कहा चल भयंकर ठंडो खा रहा हूँ आइसक्रीम। तो हम लोग आए जलमल आइसक्रीम पार्लर में, और अभी मैंने ऑर्डर किया डबल संडे, चॉकलेट संडे ऑर्डर किया। छतरी छतरी वाले तो देखो आइसक्रीम, ये भी कर देगा बराबर इसको। नहीं 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 मिट्टू मम्मा लाई है आपके लिए छाता, ये चेरी तो निकाल दो इसमें से। छतरी हमारी आइसक्रीम मस्त है। आइसक्रीम तो ही रो रही हो मम्मी, आइसक्रीम लो 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 बेटी, रोज का भाई रोज का मम्मी हो वही मेरी बेटी, मस्त खेल रही है आराम से, मेरी चुन्नुड़ी सी, मेरी गुन्नुड़ी सी। काप तकल काप तकल ये आनो नो आ आ को नहीं खान। हां ओ रूस की भाई, अभी रूस की भाई दीदी इसको इसको पता है कि आइसक्रीम कैसे खाते हैं। वो देखो देखो वो चाट रही देख 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 उसमें से यूं करके खा रही है। जब मम्मी खिला रही थी ना हाथ से तब भी खाई वो खा गई रीति रीति और ना पापा को दे दो, पापा को दे दो, पापा को आ आ पता है इसमें आ रहा है चम्मच में थोड़ा थोड़ा। हाँ तभी खा रही है। अभी बच चुके हैं रात के ऑलमोस्ट 11:30 बजने वाले हैं, बच्चे सो चुके हैं, संजू बना भी सो चुके हैं। और मैं क्या कर रही हूँ, मैं आप लोगों से बातें करने आई हूँ कि आजकल क्या मैंने ये चीज़ नोटिस की है कि मैं मतलब ब्लॉग वगैरह सब कुछ अच्छा खासा चल रहा होता है और एंडिंग करना मैं हमेशा भूल जाती हूँ। सो सॉरी, मैं उसके लिए बहुत बहुत माफ़ी चाहती हूँ। बट मतलब क्या होता है, फ्लो में ब्लॉग तो बनाती रहती हूँ बट जब एंड करने की पारी आती है ना, जब पूरा दिन खत्म हो जाता है तो लास्ट में आजकल क्या होता है बच्चे ना मतलब इतने अब क्या, एक तो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गए दोनों, चलने लगे ना तो इतनी ही ज़्यादा हड़बड़ाहट हो जाती है, एकदम से भूखे हो जाते हैं। फिर उनको सुलाओ और पूरा रूम वगैरह सब कुछ सही करो वो करो, मतलब बहुत ज़्यादा हड़बड़ाहट हो जाती है ना, मतलब पूरा दिन खत्म होते होते तो मैं एंडिंग करना भूल ही जाती हूँ। तो फिर मैंने सोचा आज मैं एंडिंग करके ही रहूँगी, बस आज का ब्लॉग एंड करते हैं, है ना। तो दैट्स फॉर टुडेज़ व्लॉग, आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगेगा। अगर व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हो पुराने हो और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खमा गणेशा, बाय बाय।